नमस्कार सभी को तो कैसे हो आप लोग अक्सर आपने ऐसा सुना होगा कि कोई लड़का था लड़की बन गया और लड़की था लड़का बन गया हालांकि ऐसा आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है सवाल यह है ये कुछ इस तरह से है जैसे कि मान लीजिएगा कि आप किसी कमरे के अंदर है और आपको क्या महसूस होगा यही महसूस होगा कि किसी तरह से मैं इस कमरे से बाहर निकल जाऊं सेम इसी तरह से कोई भी लड़का जब एक शरीर में होता है और उसे ऐसा महसूस होता है कि वो एक लड़की है है तो उस शरीर से बाहर निकलना चाहता है और लड़की भी वही महसूस करती है कि मैं एक लड़का हूं और मुझे इसे एक शरीर से बाहर निकलना है और हाल ही में एक न्यूज भी बहुत ज्यादा चर्चा में है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी और समझाऊंगी अब मैं आपको आगे एक बात बता देना चाहती हूं कि ये चीज है क्या इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसमैन और ट्रांस वूमेन यानी कहने का मतलब है कि कोई लड़की थी और उसको ऐसा लगा कि उसे लड़का बनना है तो उसने अपनी सर्जरी करवा ली तो हालांकि ये इंडिया में अब बहुत ज्यादा चर्चा में है और

शरीर में कितने कितने बदलाव लाना चाहता है ये डिपेंड करता है सर्जरीज पे यहाँ पे कम से कम ये सर्जरी परफॉर्म करने में कम से कम दो साल तो लगता है कंप्लीट सर्जरी कंप्लीट बदलाव आने में कम से कम दो साल लग जाते हैं लेकिन क्या अगर इस लड़की को लड़का बनना था तो ये सीधा डॉक्टर के पास गया और आपका या किसी का भी सेक्स चेंज हो सकता है ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि कई बार कुछ लोग थोड़े से मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रहे होते हैं और उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उन्हें अपना सेक्स चेंज कर लेना चाहिए तो डायरेक्टली कभी भी डॉक्टर सीधा डोज या सर्जरी नहीं करता पहले उनको साइकेट्रिस के पास ले जाया जाता है कई बार ये साइकेट्रिस्ट का सेशन दो महीने चलता है कई बार छह महीने कई बार इसको एक साल लग जाता है ये पेशेंट टू पेशेंट निर्भर करता है जब साइकेट्रिस हरी झंडी दिखा देता है कि हा ये पेशेंट अब सेक्स चेंज करने के लिए तैयार है ये वाक्य में ही अपना सेक्स चेंज कराना चाहता है तब डॉक्टर्स जो जो होते है, वो जो होते हैं हैं वो वो हॉर्मोन्स उसके इंजेक्शन जो है अप्लाई करते हैं जैसे किसी को लड़का बनना है तो टेस्ट्रियन हार्मोन दिया जाता है और किसी को लड़की बनना है तो प्रोजेस्ट्रोल लेवल की मात्रा को बढ़ाया जाता है और इसी तरह से उनके शरीर में लड़की को दाढ़ी आना शुरू हो जाएगी लड़कों के अंदर कुछ उनके चेंज होंगे सबसे बड़ा चेंज इनके जो हॉर्मोन्स जो इनके अंदर अप्लाई किए जाते हैं आवाज में इनके बदलाव आना शुरू हो जाएगा अब बात यह है कि 2011 की गणना में पता चला कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने सेक्स को चेंज कराना चाहते हैं या अब तक उनको परफेक्टली पता ही नहीं है अब ये सब आते किसमें एल जी बी टी क्यू में भी आती है यह सब इस चीज़ें इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है हाल ही में चर्चा में एक सेशन है जिसके ऊपर ये मैंने वीडियो बनाई है स्पेशली ये एक राजस्थान की पीटीआई टीचर है और राजस्थान भरतपुर की पीटीआई टीचर है 2010 में इन्हें अपनी छात्रा से यानी अपने ही स्टूडेंट से प्रेम हुआ और इन्होंने विवाह करने की सोची जब वो टेन क्लास में थी लेकिन उनको लगा कि शायद ये सही समय नहीं है बातचीत इनकी होती रही उसके साथ में और ये खेलने के लिए भी ले जाती थी इनकी वाइफ जो है उन्होंने दो से लेके तीन बार स्टेट लेवल भी खेला है उसके बाद हुआ क्या उसके बाद हुआ ये कि शायद इनको ऐसा लगा कि दो लड़कियों की शादी जो है वो समाज या परिवार एक्सेप्ट ना करे तो इन्होंने अपना सेक्स चेंज करवाने की ठानी और जब ये अपना सेक्स चेंज करवाने के सेशन में लगभग 2019 से लेकर 2021 तक इन्होंने सेक्स मतलब इनकी पूरी प्रक्रिया जो माना जाता है दो हजार उन्नीस से लेकर दो हज़ार इक्कीस तक चली जब इनका जो बिल्कुल लास्ट सर्जरी जो इनकी बची हुई थी तब ये अपने इनकी जो स्टूडेंट थी ये भी उस सर्जरी में शामिल थी तब इन्होंने प्रपोज किया या बताया कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं तो क्या तुम उसे शादी करोगी तो इस लड़की ने कहा कि अगर मतलब आप लड़की ही रहते तब भी मैं आपसे ही शादी करती और आप तो मैं करूंगी ही करूंगी आप निश्चित रहिए इस चीज से और उसके बाद इन दोनों ने शादी कर ली तो पहले ये लड़की थे अब ये लड़का बन गए तो ये सब चीजें सर्जरी के थ्रू परफॉर्म होती है और ऐसा क्यों होता है कि लोग महसूस करते हैं कि मैं लड़की लड़का हूं ना कहीं कही ऐसा भी माना जाता है कि हार्मोन के लेवल के बढ़ने से या प्रोजेस्ट्रोल लेवल के बढ़ने से जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं उनके इंबैलेंस से भी ऐसा होता है लेकिन ऐसा अभी कंप्लीटली पूरी तरह से नहीं माना जाता मतलब इसका कोई अपने पास में पुख्ता सबूत नहीं है अगर आ, अगला क्वेश्चन जो आता है लोगों का ये आता है कि या क्या ये माँ बाप बन सकते हैं बिल्कुल बन सकते हैं माँ बाप लेकिन थर्ड सेकंड

सेकेंड थर्ड फैक्टर से बन सकते हैं जैसे विक्की डोनर जो आपने मूवी देखी होगी स्पर्म डोनेशन से बन सकते हैं आईवीएफ से बन सकते हैं सेकेंड और थर्ड प्रोसेस से या सरोगेसी से इन प्रोसेस से ये मां-बाप बन सकते हैं कोई भी हो तो हालांकि मेरे हिसाब से आ, हमारा जो संविधान कहता है कि आपको जीने की आजादी है तो इसलिए मैं बिल्कुल भी इस चीज के खिलाफ नहीं हूं ठीक है जिस इंसान को जैसा महसूस होता है जिंदगी आपकी है आपको जिस प्रकार का महसूस हो रहा है आप उस प्रकार से काम कीजिएगा अगर आपको लगता है कि आप सही है बाकी अपनी एक माँ बाप की सहमति लेना भी बहुत जरूरी होता है और इस पूरे प्रोसेस में सैकेट्रेस भी आप लोगों के साथ में ही रहते हैं जब इस तरह की प्रक्रिया होती है तो ये बहुत नेचुरल चीज हो चुकी है आज के टाइम पे एंड मेरे हिसाब से लोगों को एक्सेप्ट भी कर लेना चाहिए क्योंकि शायद उन्हें अपने काम से काम रखना चाहिए हालांकि कुछ लोगों के लिए अभी भी ये बहुत नया है क्योंकि इनको अभी आ, अपना नाम बदलने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि लोग समझ नहीं पा रहे पहले जो नाम था पेपर डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम हो रही है तो बहुत सारी चीजें हैं सबकी अपना अपनी राय है और एज अ टीचर एज अ मेंटोर एज अ गुरु मैं तो ये कहूंगी कि आपको खुश रहना बहुत जरूरी है सभी लोगों को तब तक के लिए मिलते हैं नए टॉपिक के साथ थैंक यू सो मच बबाई लव यू ऑल जय हिंद जय भारत आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलना